यूट्यूब थंबनेल आप अपने मोबाइल फोन से 2 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही थंबनेल के अंदर जो हम अपना फोटो लगाते हैं उसको पीएनजी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उसका बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको ए टू जेड बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ये सब करना भूल जाते हो। चलिए वीडियो को देखते हैं। तो थंबनेल क्रिएट करने के लिए आपको एक छोटे से एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम पिक्सल लैब है। इसको आप बहुत इजीली प्ले स्टोर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आपको एक साइज सेलेक्ट करना होगा, तो टॉप राइट में 3 डॉट का निशान दिख जाता है, इस पर क्लिक करना है। इमेज साइज पे क्लिक करना है, कस्टम पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको चूज कर लेना है यूट्यूब थंबनेल। उसके बाद आपको ओके कर लेना है। अब जो थंबनेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उसका बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपने पहले से कोई बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा है तो आपको फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कोई बैकग्राउंड पहले से नहीं है, आप कलर का यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है कलर का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक कलर और एक ग्रेडिएंट। अगर आप कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कोई एक सिंगल कलर का अपने बैकग्राउंड में आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेडिएंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अपने बैकग्राउंड में एक साथ 2 कलर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, मैं अभी 2 कलर का यूज़ करने वाला हूँ। आपको कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पे जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कैसा रखना चाहते हैं। तो जैसे मैं कुछ इस तरीके से रखना चाहता हूँ लेफ्ट और राइट, तो मैं पहले राइट साइड के कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो मैं राइट वाले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, फिर कलर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं कोई एक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी कलर मुझे रखना है। जैसे मैं ये कलर रखना चाहता हूँ, फिर मैं ओके कर लेता हूँ। तो एक साइड का कलर सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से मैं लेफ्ट वाले ऑप्शन इस पर क्लिक करता हूँ, फिर से मैं कलर पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से लेफ्ट साइड का जो भी कलर आपको रखना है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा, तो कुछ ऐसे कलर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये कलर सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो न्यू टेक्स्ट दिख रहा है आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। टॉप लेफ्ट में डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर लेना है, क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है, इसका भी फिलहाल कोई काम है नहीं। अब आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ड्रो का, जस्ट आपको ड्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फिल इनसाइट को आपको इनेबल कर लेना है। फिर यहाँ से आपको कलर को चूज़ कर लेना है, कौन सा वाइट सा कलर चूज़ करना है, वाइट, फिर ओके कर लेना है। वाइट कलर चूज़ करने के बाद आपको जो पेन साइज है उसको 15 ही रहने देना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको इस तरीके से मिला लेना है, तो कुछ इस तरीके का एक पीएनजी बन जाएगा। कुछ ऐसा ही पीएनजी आपने सभी यूट्यूबर्स के इसमें देखा होगा, कुछ इस तरीके से वो यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दो बार ट्राई करोगे तो ये अच्छा बन जाएगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, इसका भी चाहो तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ये मैंने खुद से क्रिएट किया अभी। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको जूम कर यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये एडजस्ट हो चुका है, क्या इसको मैं थोड़ा सा टॉप पे कर लेता हूँ। तो ऐसे एडजस्ट होने के बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसको लॉक कर लेना है, तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अपने अपना एक फोटो ऐड करना चाहता हूँ, जैसे तो मैं सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ जो आपको टॉप मिडिल पे दिख रहा है, फिर मैं फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं अपना एक फोटो ले लेता हूँ। फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है उसका मैं साइड में एक एप्लीकेशन का आपको नेम दिखा रहा हूँ, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज मैं उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक पीएनजी फोटो को सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको जहाँ पर इसको एडजस्ट करना है, कुछ इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको रिमूव करना बहुत ईजी है, बस आप उसमें डालोगे फोटो को, ऑटोमेटिक उसका आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो 1 मिनट के अंदर, आप बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं, यहाँ पर आप जैसे चाहो इसको जूम कर एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, फिर आपको इस पर क्लिक करना है, तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा सेव का। अदरवाइज इस वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करोगे तो ये वाला ऑप्शन सेव का हो सकता है आपको नहीं दिखे, तो आप टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना, तो सेव का एक ऑप्शन दिखेगा। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके का एक सेप आपको अपने फिंगर से ले लेना है, कुछ ऐसे। के बाद यहाँ से मैं इसको डन कर लेता हूँ। इसको अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, रूटेड कर लेता हूँ कि थोड़ा और ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेगा। एक रूटेड का ऑप्शन दिख गया आपको इसी वाले ऑप्शन पे, रूटेड पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा रूटेड कर देता हूँ, कुछ ऐसे -2 कर देता हूँ। तो यहाँ से -2 कर दिया मैं, फिर ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो मेरे फोटो के ऊपर आ चुका है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। फोटो के ऊपर आ गया, तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वाले ऑप्शन पे आना है, स्क्रॉल करके मैं ऊपर की तरफ आता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्या, टू बैक का। टू बैक करोगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये थोड़ा सेटअप हो जाता है, क्योंकि ये हो जाता है, तो कुछ इसका आप यूज़ कर लेना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो था मेरा, मैं इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं स्क्रॉल करके आता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है शैडो का, शैडो पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको इनेबल कर लेता हूँ। तो देखो इसके नीचे में शैडो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद क्यों, कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे, देख सकते हो इसको सिलेक्ट करने के बाद जिसमें भी चेंजेस करना है इसको सिलेक्ट करके, या फिर इसको सिलेक्ट करके कर सकते हो लॉक करने के बाद, या फिर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो ये हो चुका है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट वगैरह डालने वाला हूँ, तो टेक्स्ट डाल लेता हूँ मैं फटाफट। टेक्स्ट डालने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है,
एडिट पे क्लिक करना है, जो भी टेक्स्ट डालना है आपको डाल लेना है। जैसे मैंने डाल लिया है YouTube, फिर मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ और यहाँ से YouTube को कुछ ऐसे लाता हूँ और जितना बड़ा आपको रखना है उस हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। इसके फॉन्ट को चेंज करना है तो आपको आना है स्क्रॉल करके, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट का, फॉन्ट पे क्लिक करना है। जैसा भी फॉन्ट आप यहाँ से चाहो वैसा फॉन्ट आप यहाँ से रख सकते हो, जो भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये वाले फॉन्ट का यूज़ नहीं करूँगा, कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है स्टाइल का, इस पर क्लिक करता हूँ और ये फॉन्ट का मैं सिंपली यूज़ कर रहा हूँ, ओके कर लेता हूँ। इसको भी मुझे थोड़ा रोटेट करना होगा क्योंकि मैंने इसको रोटेट किया था, तो यहाँ से आपको आना है और इसको भी थोड़ा सा आपको रोटेट कर लेना है। रोटेट पर क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं -2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये -2 हो चुका है, फिर डन कर लेता हूँ। इसके कलर वगैरह को चेंज करना हो तो कलर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ से, इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो। स्क्रॉल करके आता हूँ, यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, जो भी कलर आप रखना चाहो यहाँ से वो कलर आप रख सकते हो। तो फिलहाल ये मैं वाइट ही रखता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ PNG ऐड कर देता हूँ यूट्यूब का, कि थोड़ा और प्रोफेशनल दिखेगा। PNG वगैरह ऐड करने से और भी ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है। जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सब कॉपीराइट फ्री है, आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा, तो इसका यूज़ आप भी कर सकते हैं। तो सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मैंने सेलेक्ट किया फ्रॉम गैलरी से, तो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको भी मैं -2 रोटेट कर लेता हूँ। आपको बस एक आइडिया मिल जाएगा तो आप इससे और ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल बैनर क्रिएट कर सकते हो। बैनर कह रहा हूँ, आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आ चुका है, अब मैं स्क्रॉल करके आता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख गया शैडो का, शैडो पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको इनेबल कर लेता हूँ और ब्लर रेडियस को मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल 3D टाइप का हो जाएगा और कुछ ऐसा मैं कर लेता हूँ। इसको मैंने ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई को मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, तो कुछ ऐसा हो गया। फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ एक ऑप्शन है कॉपी का, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं छोटा कर यहीं पर मैं इसको इसके ऊपर डाल देता हूँ कि थोड़ा और ज़्यादा ये अट्रैक्टिव दिखेगा, तो कुछ ऐसा हो गया। अब मैं सेकंड यहाँ पर टेक्स ऐड कर लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ, एडिट पर क्लिक करता हूँ और सेकंड टेक्स को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो सेकंड टेक्स जो है मैं हिंदी में लिखने वाला हूँ, तो कई लोगों को हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम आता है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाता है ये वेबसाइट के लोगो जैसा, इस पर आपको क्लिक करना है लॉन्ग प्रेस। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप डालना चाहते हैं। जैसे मैं हिंदी करना चाहता हूँ तो मैं हिंदी को सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं लिखूँगा वो हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं मोबाइल लिख लेता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल हिंदी में आ चुका है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मोबाइल से, तो यहाँ पर मोबाइल से हिंदी में आ चुका है। मैं डन करता हूँ, इसके कलर को मैं फटाफट चेंज कर लेता हूँ, कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसके कलर को कुछ ये कलर रखना चाहता हूँ, जैसे ग्रीन को कर थोड़ा डार्क में कर लेता हूँ, ये कलर में रखना चाहता हूँ। फिर मैं इसके फॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो यहाँ से मैं ये वाले फॉन्ट को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मुझे रोटेट करना होगा तो थोड़ा मैं रोटेट कर लेता हूँ। वीडियो काफ़ी थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, तो रोटेट पर क्लिक करता हूँ। इसको भी मैंने 2 डिग्री रोटेट कर लिया है, डन कर लेता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से मैं छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सेकंड टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो सेकंड टेक्स्ट लिखने के लिए बार बार रोटेट नहीं करना है आपको। सिंपली यूट्यूब है, ये रोटेट है ही पहले से, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी हो चुका है, अब यहाँ पर मैं एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और अपना सेकंड टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ थंबनेल, थंबनेल डाला तो वो आ चुका है उसी फॉन्ट में, उसको कुछ भी रूटेड वगैरह आपको नहीं करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थंबनेल आ चुका है, इसके कलर को मैं फटाफट चेंज कर लेता हूँ, जो भी आपको कलर रखना है। जैसे मैं इसको रेड रखना चाहता हूँ तो रेड कर लिया हूँ। अब यहाँ पर मैं थंबनेल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ थंबनेल। ठीक है, इसमें शैडो वगैरह अप्लाई करना है तो आपको सिंपली यहाँ से आना है स्क्रॉल करके, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। स्टॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ ऐसा कर सकते हो, जो भी कलर उसके साइड में रखना है या शैडो अप्लाई करना है, जो भी शैडो जैसा भी आप करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक कर लेता हूँ कुछ ऐसा, इसको ब्लर रेडियस को मैं बिल्कुल कम कर लेता हूँ, या भी ना भी करो तो सही है। ठीक है, ऐसे ही इसको रहने दो। कैसे बना यहाँ पर आ चुका है, ये रूटेड भी पहले से क्योंकि मैंने उसको कॉपी करके लिया था। अब यहाँ पर मैं इसके कलर को चेंज करके, जो भी कलर आपको रखना चाहते हो वो कलर रख सकते हो। जैसे मैं इसके कलर को येलो कलर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ चुका है कैसे बना है। तो कुछ इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल अच्छा सा अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। इसको सेव करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है शेयर का, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। JPG या फिर PNG फॉर्मेट चूज़ करने के बाद सेव गैलरी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।